जब भी आप कभी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके सामने कई बार ऐसे समय आते होंगे जब आप बोरियत का अनुभव होता होगा। इसी बोरियत को खत्म करने के लिए आज के युवा पीढ़ी ट्रेनों में भी अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रमुख फैसला लिया है। अब ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए ट्रेन का सफर आरामदायक के साथ साथ मनोरंजक भी होगा। भारतीय रेलवे के द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत अभी फिलहाल एसी कोच में एलईडी टीवी लगाई जाएगी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार यह सुविधा धीरे धीरे सभी ट्रेनों में उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रेन में लगे इस एलईडी टीवी से यात्री समाचार, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम का मजा उठा सकते हैं। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए रेलवे के द्वारा एक एजेंसी भी हायर कर ली गई है जो कि सभी ट्रेनों में इस कार्य को पूरा करेगी। वहीं कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जहां लोग इस सुविधा का लाभ उठाने में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। जिन ट्रेनों में एलईडी टीवी की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है उनमें पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के एक दो ट्रेन शामिल है। 12,532 लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में टीवी को इंस्टॉल कर लिया गया है और लोग इसका जमकर फायदा भी उठा रहे हैं। इस बारे में रेलवे के द्वारा दी जानकारी के अनुसार इस मंडल में गोरखपुर इसबाग इंटरसिटी ट्रेन, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, लखनऊ जंक्शन आनंद, बिहार टर्मिनल डबल डेकर ट्रेन में जल्दी एलईडी टीवी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। खबर है कि पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे सामने आने के बाद इस योजना से जुड़े और भी नई योजना बनाए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा जिस एजेंसी को हायर किया गया है वे एलईडी टीवी में डिजिटल कार्यक्रम और आउट ऑफ होम मीडिया के तहत समाचार, सूचना, खेल के कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था करेंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद रेलवे के विभिन्न मंडलों से एलईडी टीवी के लगाने को लेकर समीक्षा की जाएगी कि क्या मनोरंजन के इस साधन को लगाने के बाद लोगों के द्वारा कोई सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं या नहीं। अगर एलईडी टीवी को लेकर लोगों के द्वारा दिए गए परिणाम सकारात्मक रहे तो जल्द ही दूसरे ट्रेनों में भी यह सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। वहीं कुछ ऐसे रेलवे मंडल भी है जिन्होंने एलईडी टीवी लगाने को लेकर अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।